सो काइजू नंबर 8 एपिसोड 32 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था रेनो इचिकावा नंबर 6 वेपन के साथ कंफर्टेबल होता है और उसे टेस्टिंग के लिए काइजू को मारने भेजा जाता है, पर वो अपने सूट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उसके सामने आता है इहारू फ्यूरियोशी। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो बस रो रहा है और मन में सोचे जा रहा है, आई स्वेयर मैं अपना काम पूरा करूंगा। तभी वो सामने देखता है, सामने से आवाज आता है, क्या ये ठीक नहीं है? इहारू को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है, वेल रेनो। तभी सीन शिफ्ट होता है, रेनो अपना आँख खोलते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो देखता है कि इहारू उसको पीठ पे लेके दौड़ते हुए सामने की तरफ जा रहा है। चौंकते हुए कहता है, क्यों तो तुम ऐसे? इहारू पीछे देखते हुए कहता है, फाइनली उठ चुके हो? ओके सुनो, कैप्टन ने हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है, तब तक वो लोग उस हंजू का ध्यान भटका रहे हैं। ये सब कुछ भी इचिकावा को समझ में नहीं आ रहा था। इहारू कहता है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? अब तुम्हारा काम है कि तुम उस हंजू को मारो अपने इस नंबर सूट वेपन की यूज करके। वो बहुत ज्यादा चौंकता है, वो कहता है, मेरी हालत तो बहुत खराब है, पर इहारू तुमको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तुम अपने आप को डेंजर। पर वो कुछ कहता, तभी देखते हैं इहारू उसको नीचे उतार के उसके सर में एक हेडबट मारता है और चिल्ला के कहता है, मुझे एक जोक मत समझो और सब कुछ अपने ही शोल्डर पे लेने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, तो चुप रहो और सब कुछ मुझे हैंडल करने दो। रेनो उसकी तरफ देखता है, उसके आँख में हम थोड़ा सा आंसू देखते हैं और तभी देखते हैं वो थोड़ा सा हंसता है और कहता है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ इहारू, तुम सच में अमेजिंग हो। और तभी सोचता है, जब भी मैं कभी भी कोई भी मुश्किल में पड़ता हूँ, मुसीबत में पड़ता हूँ, तब तुम आते हो और मेरा फोकस रिगेन करने में मदद करते हो। और तभी कहता है, ऑल राइट मैं अब सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। इहारू ये सुन के हंसते हुए कहता है, ओके बहुत अच्छे, अब मेरी सिग्नल को मिस मत करना। और तभी देखते हैं वो उसे बाहर रख के कहीं दूर दौड़ने लगता है। ऑपरेशन रूम से हमें बताया जाता है, ऑफिसर इचिकावा और इहारू फ्यूरियोशी दोनों अब रिगेन कर चुके हैं और दोनों पार्टनर एक साथ आ चुके हैं। ये सुन के ओगाता सोचता है, क्या उसकी बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बोलर नहीं सकता, और जितना कि मुझे पता है इहारू के पास 24% अंदिश कॉम्बैट पावर है, उससे वो कुछ भी नहीं कर सकता। पर वो और कुछ कहता, तभी देखते हैं इहारू जाके उस काइजू के ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट करता है। वो काइजू चीखने लगता है और ये देख के ओगाता सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास अगर 24% कॉम्बैट पावर है तो उसके हिसाब से ये पावर कुछ ज्यादा ही है। और तभी कहता है, इहारू के अनलिश कॉम्बैट पावर को थोड़ा सा ट्रैक करो। ये सुन के वो आदमी तभी ट्रैक करने लगता है और तभी कहता है, 42%। ये सुन के ओगाता और तोको दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो बंदा फिर से कहता है, करेक्शन फिर से 22% पे उतर चुका है। ओगाता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर तभी देखते हैं इहारू फिर से काइजू के सामने जाता है और वो बंदा फिर से चौंकता है और कहता है, करेक्शन अगेन, वो फिर से 42% पे जा चुका है, ये किड टोटली अनस्टेबल है। ओगाता ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या वो मेरे जैसा है? तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है, जिस मोमेंट पे जरूरत हो रहा है तब इहारू की पावर बिल्कुल रेनो इचिकावा की पावर जैसा ही मैच हो रहा है, मतलब स्पाइक कर रहा है, मतलब अगर उन्होंने उसे उसकी पावर को ठीक से यूज करना सिखाया तो वो एक मॉन्स्टर बन सकता है। वो तभी देखते हैं इहारू सामने की तरफ दौड़ता है उस काइजू को मारने के लिए और सोचता है, मैं कभी भी एक प्रोडेजी नहीं था, कभी भी जीनियस नहीं था, द रोल ऑफ ए हीरो वो कभी भी मेरे लिए नहीं था, वो अपने सामने रेनो और बाकी सबको इमेजिन करता है और सोचता है, आई एम श्योर कि ये जो रास्ता मैं ले रहा हूँ मुझे वही वॉल पर लेके खड़ा कर देगा, वहीं पे मैं जाके अटक जाऊँगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं उस दीवार को मारता रहूँगा। और तभी देखते हैं वो उस काइजू के ऊपर एक के बाद एक ब्लास्ट करे जा रहा है और सोचता है, मार्क माई वर्ड्स, मैं वहाँ पे भी अपना रास्ता बना लूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा, मेरे लिए रुक जाओ। तभी ऑपरेशन रूम से वो बंदा कहता है, ऑफिसर फ्यूरियोशी वो ओवरहीट हो रहे हैं, वो अपने लिमिट पे पहुँच चुके हैं। और तभी देखते हैं इहारू उस काइजू को बहुत जोर से एक ब्लास्ट करता है, उसकी कोर एरिया को डैमेज कर देता है। और तभी देखते हैं नीचे की तरफ गिरते हुए रेनो की तरफ देखते हुए कहता है, सील द डील रेनो। और तभी हम बहुत दूर से रेनो को देखते हैं जो कि वहीं पे बैठा हुआ है और टारगेट पे आंख लगाया हुआ है। और तभी देखते हैं बिल्कुल मीना आशिरो की तरह एक बहुत जोरदार ब्लास्ट करता है
वो ब्लास्ट सीधा जाके हम देखते हैं उस काइजू की बॉडी उस कोर से बाहर निकलता है और आर पार होता है। उस काइजू की हालत इतनी ज्यादा बुरी देख के हम देखते हैं उगाता सामने की तरफ देखते हुए चौंका हुआ है, बहुत ज्यादा हैरान है और तभी अपने पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ पे हम टीनेज हिकारी सिनोमिया को देखते हैं। वो आके चिल्ला के कहता है, ओगाता सुनो मेरी बात। ओगाता उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हिकारी तुम एक लाइब्रेरी में हो पता है ना, प्लीज थोड़ा सा चुप रहो, थोड़ा सा धीरे बात करो। वो कहती है, ओह किसे परवाह है, वैसे भी यहाँ पे सिर्फ तुम ही हो। और तभी हिकारी उसको न्यूज देती है और कहती है, उन्होंने कहा है कि मेरी सेल नंबर 4 काइजू वेपन के साथ कॉम्पेटिबल है। ये सुन के ओगाता बहुत ज्यादा हैरान हुआ था। हिकारी कहती है, तुम्हें पता है कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट वो कल है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं और ज्यादा स्ट्रांग बन पाऊंगा और ज्यादा स्ट्रांग। क्या लगता है तुम्हें, क्या ये ग्रेट नहीं है, बताओ ना क्या लगता है तुम्हें, वो बार बार ये पूछती है। और फिर कहती है, बताओ ना क्या लगता है, क्या मैं कर पाऊंगी। ओगाता कहता है, अगर तब मैं मना कर देता क्या तुम अब भी मेरे साथ यहाँ पे होती, यहाँ पे लड़ती। और तभी देखते हैं वो सामने देखता है वो काइजू अब चीख रहा था और कुछ ही देर बाद वो मर जाता है। ऑपरेशन रूम से हमें बताया जाता है काइजू वाइटल्स फेड हो रहा है, ऑफिसर इशिकावा और यारू मिलके उस होंजू को टेक डाउन कर दिया है। ये देख के रेनो बहुत ज्यादा हैरान होता है और तभी देखते हैं दूर देखते हुए चौंकता है क्योंकि दूर से यारू उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था और आके उसके हाथ में ताली मारता है। दोनों को बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, चीयर कर रहे होते हैं, पर ओगाता अभी भी चुप है और बस कहता है, सच में ये ग्रेट है ना तो कहूँ। और मन में सोचता है, मैं तब तुम्हें रोक नहीं पाया था। और तभी रोते हुए कहता है, यूथ वो सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट है ना तो को उसे देखने लगती है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं इचिकावा को, वो कहता है, रेनो इचिकावा तुम पास हो चुके हो, अब तुम्हारे हाथ में इस देश का एक पोर्शन फ्यूचर है। ये हम देखते हैं रेनो और यारू दोनों सुनते हैं और ये सुन के रेनो यारू की तरफ देखता है, यारू स्माइल करता है और वो बहुत ज़्यादा खुश है और तभी कहता है, थैंक यू वेरी मच सर। तो को कहता है, सर आप श्योर है ना, क्योंकि आपने ही पहले बोला था कि शायद वो नहीं कर पाएगा, पर अगर आप अभी बोल रहे हो तो श्योर हो ना आप। वो कहते हैं, हाँ ठीक ही है, पहले मैं बोल रहा था पर अब बिल्कुल ठीक है। कुछ देर बाद टोकियो ताचिकावा बेस में दिखाया जाता है, मीना आशिरो को वो ये खबर दे देता है कि रेनो इचिकावा अब नंबर 6 सूट पहन सकता है, वो बहुत ज्यादा काबिल है। मीना आशिरो ये सब सुनने के बाद उनसे कहती है, सर आप बहुत ज़्यादा काबिल हो ये सब चूज करने में कि किसको क्या सूट पहनना चाहिए कि नहीं, तो आप अपना ओपिनियन दो इस बारे में, आपको क्या लगता है क्या उसको ये वेपन पहनना चाहिए। ये सब सुन के वो कहते हैं, अरे चुप रहो। वो ड्रायर की तरफ देखता है और वहाँ पे देखते हुए सोचता है, उनमें से एक बंदा नंबर 6 यूजर का कंफर्टेबल है, दूसरा बंदा उसके पास मेरे जैसे एबिलिटीज है जो कि स्पाइक कर सकते हैं। और तभी कहता है, मीना आशिरो तुम चिंता मत करो, मैं उनको वो सब कुछ सिखाऊंगा जितना कि मैं कर सकता हूँ, मैं उनको एक ऐसा सोल्जर बनाऊंगा जो देख के तुम पूरी तरह से दंग रह जाओगी। और तभी देखते हैं ड्रायर से वो अपने पास्ट का फोटो निकालता है और तभी सोचता है, माई ड्यूटी एज ए सेवियर दैट इज माई फेट। सो अब आगे क्या होगा सब कुछ देखना अगर आपको है, इस वीडियो को लाइक करो जल्दी से। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।